इस बार नीट परीक्षा में हुई धांधली और ग्रेस मार्क्स का पूरे देश में विरोध हो रहा है। नीट परीक्षा का रिजल्ट इस बार ऐसा आके कि वो किसी को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि पहली बार बड़ी संख्या में बच्चों ने टॉप किया, बड़ी संख्या में बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। पेपर लीक होने पर गुजरात और बिहार में FIR हुई, 13 बच्चे गिरफ्तार हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इसके बाद हर रोज ये परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाने की मांग उठ रखी है। भिवानी में भी छात्र सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा कि साल दो साल पहले फीस कम है, गली गली में शोर है, एनटीए मुर्दाबाद। अब कई जगहों पर प्रदर्शन किए जा रखे हैं, परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग की जा रही है। हालांकि देखिए कोर्ट की तरफ से कहा गया है ना परीक्षा रद्द होगी ना काउंसलिंग रद्द होगी। हालांकि देखिए इस मामले में जांच जा रही है और एक तरफ तो जांच हो रही है, दूसरी तरफ कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुजरात और बिहार तक में कहा जा रहा है इस मामले के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। अब नीट परीक्षा के बाद इस परीक्षा को लेकर विरोध हो रहा है, छात्रों की तरफ से मांगे किया जा रहा है कि इस परीक्षा को एक बार फिर से करवाया जाए। पर हमने नीट की परीक्षा दी थी, मेरे 650 नंबर आए हैं। पिछले साल 650 नंबर पे 7000 रैंक थी, जिसमें ऑल इंडिया कोटा से बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, लेकिन इस बार मेरी रैंक 30000 आई है। मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। 720 में से 650 नंबर लाने पर भी हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, हमें प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। हमारी मांगे ये हैं कि निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच की जाए और कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसमें NTA का कोई भी सदस्य ना हो। रिजल्ट और जो NTA ने जो करा है, जो भी रायता फैलाया है इसका रिजल्ट का, ग्रेस मार्क वाला और बच्चों के जो 718 719 जो लाइफ में कभी सुने भी नहीं थे और जो मैथमेटिकली पॉसिबल भी नहीं है, वो मार्क्स दे रखे हैं ग्रेस मार्क से और ना कोई इन्होंने बताया कैसे दिए हैं कैसे ना दिए हैं। पेपर लीक की भी जो FIR भी दर्ज है जो पटना में हमें दिखाई थी, ना उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं और ना कोई ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं कि पेपर के बारे में ना कोई क्लियरेंस है। अब बच्चा मान लो कोई सोच रहा है कि दोबारा तैयारी करें ना करें, ना तो ये क्लियर करें, क्योंकि इनकी मेंटल स्टेट भी जो है बच्चों की वो भी मतलब तंग हो चुकी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें।